हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर क्रस्ट। दोस्तों, आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम करने जा रहे हैं, वैसे तो इस गाड़ी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर आदमी इस गाड़ी को बखूबी जानते होंगे। मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, ये इसका 2012 मॉडल है जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। ऑनर हमारे साथ ही हैं, ऑनर से भी आप लोगों की बात कराएंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा रहा। लगभग 10 साल उन्होंने इस गाड़ी को यूज़ कर लिया है, तो 10 सालों का जो वो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक ओवरव्यू गाड़ी का मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फ्रंट व्यू गाड़ी का हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, सभी की सभी हमें हैलोजन में मिल जाती हैं। साथ ही इसमें हमें फॉग लैंप भी मिल जाते हैं क्योंकि ये इसका VXI वेरियंट है। बात कर लेते हैं टायर साइज़ की, तो इसमें हमें 13 इंच के टायर मिल जाते हैं। साइड व्यू गाड़ी का कुछ इस तरह से आ जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 35 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें मिल जाती है। रियर व्यू गाड़ी का कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि बार बार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहें फैमिली के लिए, छोटी गाड़ी, तो क्या ये गाड़ी उनके लिए सही रहेगी। तो इसीलिए ये वीडियो आज बनाई गई है उन्हीं लोगों के लिए जो एक पुरानी गाड़ी की तलाश में। हालांकि ये गाड़ी सेल के लिए नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सेल के लिए ये गाड़ी है इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, सेल के लिए नहीं है। लेकिन गाड़ी का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि अगर आप लोग गाड़ी ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इंटीरियर भी आप लोगों को दिखा देते हैं गाड़ी का। देखिए, इंटीरियर गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। एक बेसिक सा इंटीरियर हमें मिल जाता है। गाड़ी अपने टाइम में काफ़ी पॉपुलर रही है। वैसे ये इंजन वगैरह की भी आपको सभी डिटेल्स वगैरह बताएंगे। ये देखिए, पहले चेक कर लेते हैं कि गाड़ी चली कितनी है। दोस्तों, ओनर द्वारा गाड़ी को ये देखिए 48,000 किलोमीटर चला दिया गया है। तो 48,000 किलोमीटर में गाड़ी चलाई है, 10 साल लगभग हो गए हैं। गाड़ी तो कोई खास इन्होंने नहीं चलाई है, फिर भी जो इनका एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंटीरियर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का भी मिलता है। यहाँ कुछ एक स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। ये ग्लव बॉक्स इसका मिल जाता है। पावर विंडो इसमें हमें दो मिल जाती हैं, एक इस साइड मिल जाती है हमें और एक ड्राइवर साइड मिल जाती है। साथ ही कुछ यहाँ पर एक मिरर मिल जाता है। दोस्तों, ये इसका VXI वेरियंट है। इस साइड देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का बेसिक सा गाड़ी का इंटीरियर है। 5-speed हमें ट्रांसमिशन मिल जाता है गाड़ी में। कुछ स्पेस हमें यहाँ पर भी मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। और पीछे का व्यू कुछ इस तरह का आ जाता है गाड़ी का। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इंजन नॉइस भी आप लोगों को सुना देंगे कि गाड़ी की इंजन तो गाड़ी का वैसे बहुत अच्छा है। 998 cc का K-सीरीज इस गाड़ी का इंजन है। तो गाड़ी हो गई अपने स्टार्ट। आइए, अब आप लोगों को इंजन भी दिखा देते हैं गाड़ी का। देखिए दोस्तों, इंजन इसमें ये मिल जाता है हमें 998 cc का, 67 bhp की पावर निकालता है। साउंड आप लोग सुन सकते हैं इंजन का, काफ़ी साइलेंट इंजन है क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, फिर भी इंजन में कोई किसी तरह की हमें एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई नहीं दे रही। दोस्तों, ऑनर भी हमारे साथ ही हैं, तो आइए आप लोगों की बात डायरेक्टली हम ऑनर से ही कराएंगे। गाड़ी का एक्सपीरियंस ये हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार। तो सर, आप कितने साल से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं? मैं इस गाड़ी को 10 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो सर, इस गाड़ी को 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर गाड़ी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे किसी भी तरह की इस गाड़ी से। और माइलेज सर अभी तक आप क्या ले चुके हैं गाड़ी से? लगभग जहाँ तक माइलेज की बात है, हाईवे पे ये 21-22 किलोमीटर प्रति लीटर आ जाता है, और एसी पर अगर हमें चलानी हो तो 16-17 किलोमीटर प्रति लीटर आ जाता है। तो माइलेज भी गाड़ी ने काफ़ी अच्छा है सर को दिया है अभी तक। 21 का माइलेज तो बहुत ही अच्छा है, और एसी पे भी मुझे लगता है शायद 17-18 का माइलेज आपको इजीली मिल जाता होगा। बिल्कुल।
तो सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि अगर आगे से कोई गाड़ी मतलब पुरानी कोई सर्च कर रहा हो, कोई खरीदना चाहे अच्छी कंडीशन में उसको ये गाड़ी मिल जाए, तो क्या उसको खरीद लेनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए? बिल्कुल खरीद सकता है, अगर उसका परिवार छोटा है, छोटे परिवार के लिए बहुत पर्याप्त गाड़ी है और बजट में चलने वाली गाड़ी है। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने मतलब सर्विस नॉर्मली कराते होंगे गाड़ी की, उसके अलावा भी क्या कोई ऐसा मेजर खर्च गाड़ी में अभी तक आया है? 10 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? नहीं, मैं कोई मेजर खर्च नहीं आया 10 साल में, केवल अच्छा टायर चेंज कराए थे मैंने और कुछ से भी नहीं कराया आज तक। तो सर का एक्सपीरियंस तो गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी पुरानी गाड़ी तलाश कर रहे हैं और ऑल्टो K10 आपको अच्छी कंडीशन में मिलती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। माइलेज को लेके या मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके गाड़ी में किसी तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी गाड़ी का एक और भी मैंने आपको दे दिया था, बाकी किसी और भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब देने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और इसी तरह की ऑनरशिप रिव्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।